कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की शुरुआत हो चुकी है, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने इसके बारे में सोचना बहुत अरसे पहले ही शुरू कर दिया था। 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि योजना के लिए सरकार खुद कह रही है कि 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम चाहिए। मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले उसका सकल मौद्रिक घाटा 3.3% के आसपास है, FRBM के नियमों की सीमा से 0.2% ज्यादा। मोटा मोटी गणित के हिसाब से सरकार और 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज जुगाड़ सकती है, वो भी तब जब 2018-19 में राज्य पर कर्जा 1,87,636 करोड़ रुपए का है, जिसके लिए 12,867 करोड़ रुपए का तो ब्याज ही चुकाना होता है। इसे लेकर विपक्ष कह रहा है कि कर्ज माफी ढकोसला है। कर्ज माफी ढकोसला है, ये स्थापित हो गया। पहले आपने कहा कि हम सभी किसानों का कर्ज माफ करेंगे, जो कि आंकड़ा आता है लगभग 56,000 करोड़। आपने अनुपूरक बजट में केवल 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा। अभी सरकार ने कहा कि हम 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे, तो ये तो साथियों अन्य राज्य के किसानों की कर्ज माफी को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों शेयर करोगे तो आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और किसानों के हित में सरकार कर्ज माफी का फैसला ले सकेगी इस कोरोना काल में।